तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया स्किल। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैंने स्केच बनाया है वो असली टैक इंडिया यूट्यूब चैनल है, इनके ऑनर का नाम है अंशु शाक्य। दोस्तों मैंने उनका स्केच बनाया तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको साइड में फ़ोटो दिख रही होगी, दोस्तों ये अंशु साग के हैं जिनका मैंने स्केच बनाया है। दोस्तों इनका चैनल है यूट्यूब पर असली टैग इंडिया, ये इनका यूट्यूब में चैनल है, आप सर्च मार के देख सकते हो। असली टैग का इंडिया आप लिखोगे तो आपको चैनल दिख जाएगा। इनके 2K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी यूट्यूबर है, इनकी वीडियो बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों अभी आप जो शेडिंग देख रहे हो वो मैंने 10B पेंसिल से की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क पेंसिल होती है। हेयर में करने के लिए वो पेंसिल बहुत ही अच्छी होती है। आप देख सकते हो हमारे हेयर बहुत ही मस्त बन रहे हैं। इसमें मैंने 10B पेंसिल का इस्तेमाल किया है, जिस कारण हमारे जो ये हेयर में शेडिंग थी वो बहुत ही अच्छी हो रही है, आप देख सकते हो वीडियो में। ठीक है, आप बताना कमेंट करके कि जैसी फ़ोटो है वैसी बनी है नहीं बनी है, अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब मैं इनमें आईब्रो में शेडिंग करने के लिए मैंने 4B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और अभी मैं ये सबसे लाइट पेंसिल 4H पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सबसे लाइट पेंसिल होती है ये। इसमें मैं लाइट एरिया में 4H पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अभी मैं आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों ये अंशु साग के वीडियो ये ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उनके स्केच की वीडियो बनाई है, मैं उन तक तो भेज ही दूंगा इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आप फ़ोटो से ज़रूर मिलाते रहना कि ये फ़ोटो जैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, और नहीं बना तो प्लीज़ कॉमेंट करके बता देना, मैं और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको फ़ोटो में जितने भी लाइट एरियाज दिख रहे हैं उसमें मैंने 4H पेंसिल का इस्तेमाल किया है, एंड ब्लाइंडिंग करने के लिए मैंने पेपर स्टम्प का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इनकी आप देख लेना, फ़ोटो से ज़रूर मिला लेना कि फ़ोटो जैसा बन रहा है या नहीं। ठीक है, पर दोस्तों ये थोड़ा मैंने इसमें इनकी दाढ़ी है ना उसमें मैंने थोड़ी दिक्कत कर दी है, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे लाइट पेंसिल चलानी थी पर मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है दोस्तों, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इसमें ही थोड़ी गलती हो गई है मुझसे। इसलिए अब मैं आगे से कोशिश करूँगा कि बहुत ही लाइट शेडिंग करूँ ब्रीड में, क्योंकि जो ब्रीड होती है, जो दाढ़ी होती है, उसमें हमेशा लाइट करना, उसमें मैंने थोड़ी गलती कर दी है। ठीक है, आपको दिख रही होगी फ़ोटो से, आप मैच कर सकते हो, उसमें ही गलती हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इनके ईयर बना रहा हूँ, आप ईयर देख सकते हो दोस्तों, अगर ईयर में कोई गलती हुई है तो बता देना। ठीक है, कमेंट करके बता देना। एंड दोस्तों अब मैंने इनका पूरा स्केच कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा स्केच कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। एंड दोस्तों आप फ़ोटो से भी मिला लेना, मैं आपको साइड में फ़ोटो दिखा दूँगा। ठीक है, आप फ़ोटो से मिला लेना कि फिर फ़ोटो जैसा बना या नहीं बना है। ठीक है, अभी मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ, मैंने ये फाइल में थोड़ा रख रखा था क्योंकि ओके। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो हमारा स्केच कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। दोस्तों मैंने ये अभी बनाया, आप देख सकते हो अभी ये सारी पेंसिल वेंसिल बिखर रखी हैं, इनसे ही ये सारी पेंसिल का इस्तेमाल करके मैंने ये स्केच बनाया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपको इस चैनल पे ऐसे ही आर्ट की वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों चलो अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, धन्यवाद।